क्या जीवन और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैवान हो सकते हैं? छतरपुर के एक स्कूल से ऐसा मामला सामने आया जहां शिक्षकों पर छात्र के साथ हैवानियत से मारपीट करने का आरोप लगा है। छतरपुर के नौगांव के विद्या भवन पब्लिक स्कूल के प्रधान अध्यापक और अध्यापक पर छात्र के साथ हैवानियत से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल की प्रिंसिपल कविता गौतम और अध्यापक साहिल यादव पर सातवीं क्लास के छात्र समर्थ यादव को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि स्कूल के शिक्षकों ने समर्थ को इस कदर पीटा कि उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई है और डर के मारे सहमा हुआ है और स्कूल जाने से भी डरने लगा है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब वो हम क्लास में हमें टीचर ने हमें हिलाया तो हम गिर गए, तो हम प्रिंसिपल के पास शिकायत करने गए। अच्छा। तो वहाँ पर हम भैया मिल गए, तो भैया कह रहे आओ प्रिंसिपल की शिकायत कर, वो प्रिंसिपल से कह दे रहा है। तो वहाँ पर गए तो प्रिंसिपल ने हमें स्केल से मारा हाथों में, और वहाँ पर साहिल सर ने हमें पीठ में मार के उनने से लिया और ब्रेंच में मार दिया, हमें खून निकल आया। घटना सर ये है कि मेरे बच्चे को अभी 4 तारीख को मेरे बच्चे को पीटा गया, वो भी अधिक ही पीटा गया, जिसका मेरे पास फोटो प्रमाण भी है और हो सकता है शायद बच्चे ने वीडियो बनाया हो तो वीडियो भी होगा, फोटो प्रमाण तो है ही। इसकी कंप्लेंट हमने प्रिंसिपल से करने की, तो अभी कल मतलब 4 तारीख के बाद बच्चा मेरा 7 या 8 तारीख को स्कूल गया, उस दिन हमने कुछ नहीं कहा। अभी कल 11 तारीख को कल स्कूल गया बच्चा, टीचर फिर पहुंच गई वहाँ पे जाके साहिल नाम है क्या है, उससे बोलने के बोले तुमको जानती हो ये तुम्हारे तुमको कैसी पनिशमेंट देगा, आप उठ नहीं पाओगे का मतलब जानती है सर, मतलब ये हाथ पैर तोड़ेंगे क्या हमारे बच्चे का। अभी आपके द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि विद्या भवन स्कूल नौगांव में समर्थ सन ऑफ कैलाश यादव कक्षा 7वीं में अध्ययनरत रहा और इसको विद्यालय के संस्था प्रभारी के द्वारा मारपीट की गई है। यदि ये घटना सत्य पाई जाती है इसकी मैं जांच करवाता हूँ और वैधानिक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।